जब हिम्मत नहीं थी तो मोहब्बत भी नहीं करनी थी ना। सिर्फ मोहब्बत नहीं की, तुमसे निकाह भी किया। छुपा हुआ निकाह कोई नहीं मानता। तो यार दरअसल तैमूर रीना के लिए सबहत को अच्छा लगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे निकाह कर चुका हूँ। अब्बा, अब्बा, ये कौन? तैमूर भाई है, जिना बीबी के शौहर। प्लीज, जब हिम्मत नहीं थी तो मोहब्बत भी नहीं करनी थी ना। सिर्फ मोहब्बत नहीं की, तुमसे निकाह भी किया। छुपा हुआ निकाह कोई नहीं मानता। वक्त आने पर सब मान जाएगा। तो फिर वक्त आने पर अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करते ना तुम। मम्मी के सामने नजरें नहीं मिला पाती मैं। निकाह होने के बावजूद शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे। तुम्हारे साथ गुजारे हुए हर वक्त पर अफसोस है मुझे तैमूर। समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम मर्द हो ना, अपनी जगह मुझे रख कर तो देखो, सोचो तो सही। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें लगता है मैं उन मर्दों में से हूँ जो अपने हिस्से पर हाथ साफ करके चलते बंदे? अब मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं बहलने वाली। प्लीज बात सुनो मेरी, तमाशा क्यों बना रही हो सबके सामने? तमाशा इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं सबके सामने तमाशा बनने से बच सकूं। देखो मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, एग्जाम्स खत्म होते ही मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, उससे पहले तो कुछ नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकते? मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। तुम भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं। क्या बात है, कोई और प्रॉब्लम है? यू नो यू कैन ऑलवेज टेल मी अगर कोई और प्रॉब्लम है या फिर और पैसे चाहिए, मुझे बताओ। किसी कोई बात नहीं है, बहुत दुख होता है। जब आपको ऐसी हंसी के टुकड़ों पर पलना हो जो आपको पसंद नहीं करते, सकीना खाला की पसंद की शादी के बाद नाना उनसे नाराज हो गए थे और उनके जाने के बाद उनकी नाराजगी अम्मी में मुंतकिल हो गई थी। जबकि अम्मी बताती है कि सकीना खाला और अम्मी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर देना। जब गुर्बत के दिनों में उन्होंने उनकी मदद करना नहीं छोड़ा था, अब उनकी तन्हाई का सुनकर उन्हें कैसे सुकून आ जाता होगा। अम्मी की जहनियत पुराने जमाने की औरतों जैसी, और तुम जब भी मुझसे मिलती हो यही बहस छेड़ देती हो। इसे गए कहाँ हैं अब्बा? मुझे लगता है गाड़ी का सौदा करने गए हैं वो। गाड़ी क्यों बेच रहे हैं वो? हाँ, मैंने भी कहा था उन्हें कि जेवर रखा है वो बेच दो। जवान लड़की का घर है, लड़के वाले आते हैं तो रख रखाव देखते हैं। उन्होंने अपने जिस दोस्त से कर्जा लिया था उसे कुछ वक्त मांगा तो है उन्होंने? फिर तो वक्त तो मांगा है, लेकिन पूरा भी तो करना है ना। पता नहीं क्या होगा। अब्बा आप बात तो करें उनसे, थोड़ी सी मोहलत तो लें, इस तरह घर की चीजें तो ना बेचें। अब तुम घर की चीजों की बात कर रहे हो, मुझे डर है कहीं ये घर ही ना बेचना पड़ जाए। अब आप बात तो करें उनसे। देखिए मुझे बहुत अच्छी जॉब्स की ऑफर्स आ रही है, एग्जाम खत्म होते ही मेरी जॉब लग जाएगी, उस वक्त तक का तो वक्त नहीं। बेटा मैं उनसे मजीद वक्त नहीं ले सकता, मैं उनसे पहले ही बहुत वक्त ले चुका हूँ। देखो तुम बात सुनो यार, हम रोटी सुखी खाएंगे, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ जाएगा। आप मुझे उनका एड्रेस दे, मैं बात करता हूँ उनसे। क्या बात कर रहे हो? वक्त मांगूंगा उनसे,
उनसे कहूंगा मेरी नौकरी लगने का तो इंतजार करें। अमित नहीं है तुम्हारे साथ, तबीयत तो ठीक है उसकी? अबू ठीक है, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बोलो, कैश ले हो या चेक? जी चेक लाया हूँ। नहीं। अरे इतनी बड़ी रकम कैश ले है? अंकल मैं रकम नहीं लाया हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा क्या बात है? असल में वो अब्बा ने आपसे कर्जा लिया था, वो आपके पैसे वापस करने के लिए अपनी गाड़ी बेच रहे। अंकल मेरे नेक्स्ट वीक एग्जाम्स हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मेरी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगा अंकल। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे आगे पेमेंट्स करनी है, मेरा भी प्रॉब्लम। सॉरी अंकल, आपने जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें, मेरी जैसे ही जॉब लगेगी मैं कहीं ना कहीं से कर्ज़ा लेकर आपके पैसे वापस कर दूँगा, कम से कम अब्बू को गाड़ी नहीं बेचनी पड़ेगी। अंकल मुझे इजाज़त है। हाँ वो चाय आ रही है वो तो पी जाओ। नहीं अंकल फिर कभी, मैं यूनी के लिए लेट हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू। अच्छे रिश्ते आजकल मिलते ही कहाँ हैं, पढ़ लिख भी गया है और देखने में भी अच्छा है तो, और हम उसकी फैमिली को भी अच्छी तरह से जानते हैं। गिना मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसकी शादी बहुत अच्छी जगह पर देखभाल कर करूँगी। जब बेटियाँ जवान हो जाती हैं ना तो माओं की नज़रें अकाब सी हो जाती हैं, मुझे तो वो लड़का पहले ही नज़र में भाग गया था। वैसे हो सकता है उसकी कहीं बात ही हो चुकी, आपने तो अपनी औकात की नज़रों से उसे देख ही लिया, लेकिन ज़रा रिना से नहीं पूछ लेती? रिना ने ये फैसला हम दोनों पर छोड़ दिया है, इकलौती बेटी है हमारी और वो ठहरे हमारे मकरूस, तो अच्छा है ना लड़का दबके रहेगा और जो कर्जे की रकम है वो आप मेहर के नाम पर छोड़ दीजिएगा। आप हमीद भाई से बात करके तो देखें। मगर सब बात उसके और हमारे स्टेटस में है, बहुत ज्यादा फर्क है यार। ये तो और भी अच्छी बात है, स्टेटस में फर्क होगा तभी तो वो हमारा घर दामाद बनने पर राजी हो जाएगा। तैमूर कह रहा है कि अगर एक महीना और रुक जाए तो। हाँ मैंने तैमूर से तो कह दिया था कि मैं एक महीना और इंतजार कर लूंगा ना। बड़ी नवाजिश, देखो इस तरह जरा मुझे संभलने का मौका मिल जाएगा। अरे क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, फिक्र नहीं करो अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं वो कह रहा था कि एग्जाम के फौरन बाद उसे किसी मल्टीनेशनल में जॉब मिल जाएगा। हाँ वो यार वो दरअसल बात करनी थी तुमसे वो। कहो रुक क्यों गए? तो यार तैमूर सुबह आया था ना घर पे तो सब आपने उसे देखा तो तुम्हारी भाभी कह रही थी कि माशाल्लाह है वो बड़ा अच्छा तैमूर। तो यार दरअसल तैमूर गिना के लिए सबाहत को अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात है। अरे बेटा मुझे खुद तुमसे बड़ी ज़रूरी बातें करनी है। ऐसा है कि अभी हम चलते हैं फारूक की तरफ, वहाँ तुम्हारी बात पक्की करनी है, बाकी बातें हम आगे कर लेंगे। बात यह है कि ये शादी करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अब्बा मैं फारूक अंकल की बेटी से शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे निकाह कर चुका हूँ। अब्बा 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 अब्बा
पानी लेकर आ जल्दी से। तो अब तबीयत कैसी है यार? तुमने तो बिल्कुल डरा ही दिया था। ओ, हम तो बात पक्की करने आ रहे थे कि सेहत ने बदकिस्मती से रास्ता रोक लिया। अली, औलाद की खुशी देखना नसीब में है कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तो तुमने पोतों को खिलाना है भाई। हैरत, तुम भी कमाल की बातें करते यार। मैं यहीं इसी अस्पताल में तैमूर और गिना का निकाह देखना चाहता हूँ। भाई, मैंने तो जो सुना वो कह दिया। फरजाना, लेकिन उसने ऐसी बात की क्यों? धोखा हुआ होगा। मैंने तो कह दिया कि मैं दोनों माँ बेटी को बहुत शुरू से जानती हूँ और रुमैसा ने मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया है। बहरहाल तुम पूछ लेना रुमैसा से, यूं ही किसी सहेली के साथ क्लिनिक चली गई हो। वो तो इस तरह कह रही थी पूरे यकीन से कि जैसे रुमैसा वाकई माँ बनने वाली है। ये मेडिसिन मंगवा ली। लाइन में ले आती हूँ जी। इनका बीपी बहुत लो है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। ऐसी हालत में खाने पीने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। ऐसी हालत में मतलब? ऐसी हालत में माँ और बच्चे दोनों को ग़िज़ा की जरूरत होती है। क्या बस डॉक्टर साहिबा, आप हमें जल्दी से डिस्चार्ज करते। लेकिन इन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तुम ये पैसे रख लो, रिक्शा लेकर घर चली जाओ, बच्चे स्कूल से आगे होंगे। हाँ, बच्चे तो स्कूल से आगे होंगे, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आप रख लीजिए, मैं चली जाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं। ये लीजिए, ये मेडिसिन बाकायदगी से देना है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैंने निकाह किया।
बकवास कर रही हो? मम्मी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने निकाह किया है, मेरी बात का यकीन करें आप। चुप हो जाओ तुम, झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। मैं आपको निकारामा दिखाती हूँ। मेरा निकाह नामा, मैंने आपसे कहा ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए मुझसे ये निकाह किया है। तो मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए अपने माँ बाप को क्यों नहीं लेके आया? कौन है ये लड़का? मैं पूछ रही हूँ कौन है ये लड़का? वो क्लास फेलो है। तो रिश्ता लेकर क्यों नहीं आया? बुलाएगा वो खुद आके बात करेगा आपसे। कब? जब हम रुस्वा हो चुके होंगे। निकलो मेरे घर से। अम्मी नहीं, अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी अम्मी नहीं, निकलो। अम्मी मुझे माफ कर दे। निकलो मेरे घर से। अम्मी नहीं, अम्मी निकलो मेरे घर से। अम्मी नहीं। मुझे माफ कर दे। रीना बिनती फारूक, आपका निकाह तैमूर वल्द हमीद के साथ वाकई करार पाया है, आपके कबूल है? कबूल है। रीना बिनती फारूक, आपका निकाह तैमूर वल्द हमीद के साथ वाकई करार पाया, आपको कबूल है? कबूल है। आपके कबूल है? कबूल है। तैमूर वल्द हमीद, आपका निकाह गिना बिनते फारूक के साथ वाकई करार पाया है, हक मेहर 50,000, सिक्का राजुल वक्त, आपको कबूल है? हाँ बेटा, कबूल है। तैमूर वल्द हमीद, आपका निकाह गिना बिनते फारूक से वाकई करार पाया है, हक में 50,000 रुपया, सिक्का रायजुल वक्त, आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? मुझे लगता है कि तुमसे मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिसका खमियाजा मुझे जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। कबूल है। आपकी तबीयत कैसी है हमीसा? जी ठीक हूँ। माफी देगा खातून, मैं आपको पहचाना नहीं। मैं रोमेशा की वालदा। कौन रोमेशा? आपके बेटे की बीवी। और आपकी बहू। ईश्वर, जरा सा मुझे पानी दे। देखिए खातून, मेरे बेटे का निकाह अभी हुआ है और उसकी बीवी का नाम रुमेशा नहीं है। देखिए, मैं निकाह नामा साथ लाई हूँ।
दोनों एक साथ पढ़ते थे। ये आप क्या बकवास कर रही हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसा किया भी है तो हम इस निकाह को नहीं मानते। ऐसा लगे ये भाई साहब, आपका बेटा मेरी बेटी से मोहब्बत करता है। मेरा बेटा सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, जो उसके माँ बाप ने उसके लिए मुंतखब की। आप क्या बोल रही हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरी बेटी की पाक दामनी का सबूत है। ऐसा ना कीजिए भाई साहब, मेरी बेटी मां बनने वाली है, वो रुस्वा हो जाएगी। मैं इस निकाहनामे को नहीं मानता। फरमाइए यार। रोमैसा रहती आप कौन? मैं उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तैमूर नाम। अच्छा, तो तुम वो लड़के जिसने उसको धोखा देकर निकाह किया था, तुम्हारी कोई बहन नहीं है? तुम्हें पता है रुस्वाई और जिल्लत की वजह से वो ये शहर छोड़कर चली गई। कहाँ गई है? तुमसे मतलब? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, वरना और बातें बनेंगी यहाँ। अच्छा तो अपने कहाँ से खबर किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही है, इतनी बदनामी कर रही है। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो यहाँ? जाओ यहाँ से। यहाँ जाते मुंह उठा के। मैं इसे टीका लगवाकर नर्सरी में छोड़ आती हूँ। मैं तो बस आप लोगों को दिखाने लाई थी। अच्छा ठीक है, बस अभी से तुम ले जाओ जल्दी से, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। रुमैसा उठो बेटा, रुमैसा बेटा उठो, उठो मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह, उठो उठो बेटा। अम्मी मेरी बच्ची। बताती हूँ बेटा, अभी उठो। पर वो कहाँ है अम्मी? बताती हूँ बेटा, अभी बताती हूँ, बस जल्दी करो। आए क्यों नहीं? अभी आ जाएगी, जल्दी करो। उसे लेके तो मुझे देखना है उसे अम्मी। बेटा मैं बताती हूँ ना, यहाँ से तो चलो ना। अम्मी आप कैसे ले जा रही हैं मुझे, उसको देखने तो देना। बताती हूँ तुम्हें। बताए ना मेरी बच्ची कहाँ है अम्मी, आप बोलती क्यों नहीं है? मैं कब से पूछ रही हूँ आपसे, बोले ना अम्मी। तुम्हारी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। मैं तो बच्ची को नर्सरी छोड़कर दूसरे वार्ड में चली गई थी, जी क्या पता कि वो लोग गायब हो जाएंगे। और अब जब मैं बच्ची को फीड कराने माँ के पास लेकर गई तो पता चला बेड खाली है। रिकॉर्ड चेक करो, तुमने NIC की कॉपी ली थी उनकी? जी ली थी, मगर उस पर तो कराची का एड्रेस लिखा हुआ था। तो हम क्या कराची जाकर ढूंढेंगे उन लोगों को? क्या करना चाहिए अब? ऐसा करते हैं पुलिस बुलाकर बच्ची उनके हवाले कर देते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या, क्लिनिक की बदनामी हो जाएगी। तुम एक काम करो, इस बच्ची को अपने पास रखो, फिर हम इसे यतीम खाने में दे देंगे। जी वैसे भी इस बच्ची का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तुम अकेली रहती हो ना? जी। तो तुम इसे एक दो दिन अपने पास रख लो, हो सकता है माँ बेटियाँ वापस आ जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना,
ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा तो फिर आप आराम कीजिए, मैं और शकुरन बाहर हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लीजिएगा। अच्छा ठीक है। तुफैल, हम सिर्फ एक रात के लिए तुम्हें तकलीफ देंगे। अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा, तकलीफ कैसी, आप तो जब तक चाहें इस घर में रह सकती हैं। सिर्फ एक रात के लिए, वो भी इस शर्त पे कि सुबह तुम मुझे किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास ले जाओगे। अच्छा तो ठीक है बेगम साहिबा, आप आराम कीजिए, हम सुबह ही चलेंगे। तो फैज भाई, एक मिनट में देख रहा हूँ। माजरत चाहता हूँ तुफैल भाई, इस वक्त तो कोई भी मकान खाली नहीं। आप ऐसे कीजिए, दोबारा देख लीजिए, जहाँ भी होगा, जिस इलाके में भी होगा, हम रह लेंगे। हम बस दो माँ बेटी हैं, मालिक मकान को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं वो आपकी बात सही है, मेरे पास है, अच्छी तरह देख लिया, नहीं है कोई। हाँ तुफैल भाई, एक मकान है मेरा जाती, वो खाली पड़ा है, उसमें मेरा एक लड़का पड़ा रहता है। जी आप ऐसा करें तुफैल भाई, शाम को इन्हें ले आए मेरे पास। मैं बयाना भी फिर शाम को ही दे दूंगी। वो बयाने की तो कोई बात नहीं है, आप शाम को आए तो सही, उसके बाद बात। अभी हाजिर होता हेलो। अरे मैंने तुमसे कहा था कि सुगरा को भेजकर घर की सफाई करवा देना, यहाँ इतना गन पड़ा है। सुगरा को भेजा था मैंने, पर हाद ने चीख चिल्लाकर उसको वापस भेज दिया, क्या करूँ मैं। लाहौल वाला, अरे कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, तुम लोग भी बस। फरहाद भी ना, क्या करूँ मैं इसका। माफ कीजिएगा बहन, आपने घर देखने में इतनी जल्दी की कि मैं यहाँ की सफाई भी नहीं करवा सका। ऐसा कि आप फिलहाल मेरे घर चले, वहाँ आप बैठे, मैं यहाँ की सफाई करवा देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया अलियास भाई, बस एक तकलीफ कीजिएगा, झाड़ू वगैरह का इंतजाम कर दें, सफाई हम खुद कर लेंगे। जैसे आपकी मर्जी, ये चाबियां घर की रख लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Thank you.
दरवाजा। रुको रुको। तुम दोनों बुढ़िया निकल जाओ मेरे घर से। दरवाजा खोलो, तोड़ दूंगा दरवाजा। तुम दोनों की वजह से बाहर सड़क पे रहना पड़ रहा मुझे। राना करो, मार दूंगा तुम दोनों को। धक्के देके निकाल दूंगा तुम दोनों को मैं। निकल जाओ मेरे घर से। दबा जाओ, धक्के देके निकाल दूंगा तुमको मैं। निकलो मेरे घर से। मैं उसे समझा दूंगी, आप उसके अब्बू से कुछ ना कहिएगा। वो बस ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, मैं समझाऊंगी ना तो वो समझ जाएगा। कल रात मैं और मेरी बच्ची बहुत डर गए थे। नहीं बहन, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बस आप उसके अब्बू से शिकायत मत कीजिएगा। सफिया, हमें बड़ी मुश्किलों से ये घर मिला है। मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इस वक्त भी मैं उसे अकेला छोड़कर आई हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे चीखता चिल्लाता रहता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैंने कहा ना ज़हनी तौर पर। बात सुने, बात चीखने चिल्लाने की नहीं है, वो घर में कूद गया था। जी मैं कह रही हूँ ना कि मैं उसे समझा दूंगी, वो समझ जाएगा, बस आप उसके अब्बू से शिकायत नहीं कीजिएगा। अच्छा ठीक, मैं चलती हूँ। भाभी आपने तैमूर को फोन किया? हाँ कर दी है, आता ही होगा। गिना, बेटा तुम अपना दोबारा टेस्ट करवा लो, हो सकता है कि रिपोर्ट आगे पीछे हो गई हो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? ये घिना ने टेस्ट करवाए थे। घिना कंसीव नहीं कर सकती। अगर आप मेरे साथ आइए। लेना प्लीज बैठो। अल्लाह बहुत सों को बहुत सी चीजों से महरूम रखता है। हमारा काम है कि हम सब्र करें। आपको कोई अफसोस नहीं हो? नहीं बिल्कुल, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई दूसरी शादी नहीं, कभी कोई ताना नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी, हमें और किसी की जरूरत नहीं। मैं आपको कभी औलाद नहीं दे सकूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत कुछ नहीं दे सकूं, लेकिन तुमने आज तक शिकायत नहीं की, मैं भी कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। आपके घर में कौन कौन है? बस अम्मी है। और आपके अब्बू? उनकी डेथ हो चुकी है।
ओ, वैसे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फिलहाल तो ये रिपोर्ट तैयार हो जाए। क्या आप वाकई इतनी तवज्जो से काम करती हैं? कभी इतनी तवज्जो हम पर भी दे दें? वैसे आज शाम को क्या कर रही हैं आप? आप रिक्शे में आती जाती हैं ना? अगर आप कहें तो आपको ड्रॉप कर दिया करो। जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये फाइल एमडी साहब को देनी है ना? जी हाँ, यही फाइल देनी। सुने, आप? हाँ जी, वो मैंने सोचा कि आपका घर देख लूं, कल से आपको पिक कर लिया करूंगा। आप पीछा कर रहे थे मेरा? अरे नहीं नहीं, इसमें पीछा करने वाली कौन सी बात है, मैं तो बस वैसे ही आपका घर देखने आ गया। देखिए, आपको इस तरह से मेरे घर तक नहीं आना चाहिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप ऐसे कैसे मेरे घर तक आ गए? अरे इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है, चलें अगर आप चाय नहीं पिलाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं पिला देता हूँ। आए हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं। अब अदनान साहब, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे आप तो इस तरह बिहेव कर रही हैं जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। आप ऑफिस के कुलीग हैं, बेहतर है कि ऑफिस की हद तक ही रहें। आपको खामखा बुरा मना रही हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? जाइए यहाँ से। अच्छा आए ना कहीं बैठ के बात करें। क्या बदतमीजी, छोड़ी मेरा हाथ, क्या बदतमीजी है ये, जाए आप यहाँ से। मैडम को दंग गिरता दूं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पागल साला, इतनी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी, पागल हो तुम? एक तो इसकी मदद की, ऊपर से गुस्सा कर रही है बावली कहीं की। जा मेरे भाग को शिकायत लगा दे, जाके शिकायती दफ्तर कहेंगी। शिकायती दफ्तर? मिस रुमैसा जी, आपको एमडी बुला रहे हैं। ठीक है। आइए मिस्टर मैसर, बैठे। ये क्या है? मैं जानती हूँ सर अदनान ने मेरी कंप्लेन कर दी होगी, इसलिए रेजिग्नेशन लेटर मैं खुद ले आई हूँ। जी मगर हम आपका मौका भी सुनना चाहते हैं। मिस्टर अदनान ने कहा है कि वो जब आपको ड्रॉप करके वापस आ रहे थे तो आपके गली के किसी आवारा लड़के ने उनसे लड़ाई की और उनकी अच्छी खासी पिटाई की है। मुझे उन्होंने घर ड्रॉप नहीं किया, बल्कि वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा यही गुस्सा एक गली का लड़का देख रहा था, इसीलिए उन्होंने सर अदनान की पिटाई कर दी। इसका मतलब है मिस्टर वैसा, आप अदनान साहब के साथ गाड़ी में नहीं गई थी? जी नहीं। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? सर वो मुझसे पहले से यहाँ जॉब कर रहे हैं और मैं जानती हूँ कि
आप सब लोग उन्हीं की बात का यकीन करेंगे, इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग मेरा लेटर एक्सेप्ट कर लें। मिस्टर मैसा, आप प्लीज अपने केबिन में वेट करें। थैंक यू। ये तो कोई और कहानी सुना रही है। सर, मेरा ख्याल से तो अदनान साहब झूठ बोल रहे हैं। और सर, उन्होंने एक झूठी कहानी बनाकर हमें सुना दी, और उन्हें डर होगा कि कहीं उनकी कोई कंप्लेन ना करते। मगर अदनान साहब की कंप्लेन इससे पहले नहीं आई। हो सकता है सर, उनके सीनियर होने की वजह से किसी ने पहले उनकी कंप्लेन ना की हो। मेरा भी यही ख्याल है। और सर, जितनी भी प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स के लिए बनी है वो तो मिस रुमैसा ने ही बनाई है। तो ठीक है, फिर आप अदनान साहब को टर्मिनेट करके मिस रुमैसा को उनकी जगह प्रमोट कर दें। व्हाट डू यू से सर? आई थिंक दैट्स राइट। आई एग्री। राइट सर। टर्मिनेशन के धब्बे से बचने के लिए मैंने ये लेटर साइन किया था। आप इसको पढ़ने करें। ले लो, प्रमोशन हो गया है मेरा। शिकायती दफ्तर? तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मेरे बाप को शिकायत लगाओ। उनके लिए कल दोबारा मिठाई लेकर आऊंगी, अभी तुम तो खाओ। लो। अम्मी कहाँ है? अम्मी, अम्मी, अरे हॉस्पिटल जाना है तो मुझे बता देती, पूछा भी था मैंने के लिए चलती हूँ। को देखा है कहीं?
तुमसे बात कर रही हूँ। तुमसे बोल रही हूँ, अम्मी कहाँ हैं? देखा है अम्मी को आते जाते? मकान नंबर 64 यही है? यही है। ये चकराकर रोड पे गिर गई थी, उसी वक्त इनकी डेथ हो गई। और इनका ये पर्स है, इसमें आपका नंबर था। सुनो, हेलो, तुमसे कह रही हूँ। ये लो अपने घर की चाबियाँ। ओ रुको, ओ सुनो, शिकायती दफ्तर किधर? हेलो, ओ भाई, छोड़ो मेरा बैग, मेरा बैग, बैग छोड़ो मेरा। चलो चलो घर चलो। क्या बदतमीजी, हाथ छोड़ो मेरा। चलो मैं कहता हूँ अम्मी के पास, चलो। मुझे नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो ना मुझे, क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है? देखिए ना, ये बदतमीजी कर रहा है। अंकल से शिकायत लगा दूंगी मैं इसकी। हाँ हाँ, तो तुम्हारा और काम ही क्या है शिकायती दफ्तर। अम्मी ये जा रही है, इसको ना इसी घर में रख लेते हैं। कहाँ जाएगी बेचारी? खाला मैं कराची जा रही हूँ। और नहीं नहीं, हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे, है ना अम्मी? तुम चुप करो, तुम्हारे अब्बा घर पर ही हैं। बेटा, तुमने कुछ खाया है? कुछ नहीं खाया इसने, ये तो सुबह से निकल गई थी। जल्दी से खाना लगा दो अम्मी, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। चलो अब आ जाओ। हमने उसे बहुत अरमानों से भेजा था कराची पढ़ने के लिए। उसे अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की से मोहब्बत हो गई। तो आप कर देती ना उसकी शादी उससे? हम रिश्ता लेकर गए थे, घर वाले नहीं माने। घर वालों को तो छोड़ो, लड़की ही नहीं मानी। वो तो फरहाद के साथ टाइम पास कर रही थी। आपने समझाया नहीं उसे? हमने बहुत समझाया, पहले प्यार से फिर मार से, मगर उसकी दीवानगी तो जैसे बढ़ती ही चली गई। उसे मारना नहीं चाहिए था। तो क्या करते, तंग आ गए थे हम लोग। पढ़ाई का आखिरी साल था, वो भी उसने पूरा नहीं किया।
अब देखो कैसे चरसी मावालियों की तरह घूमता फिरता है। ये नहीं कि बाप का हाथ बटाए, ऑफिस में जाकर बैठे। तुम किस सोच में गुम हो गई? नहीं कुछ नहीं बेटा, ये जो आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मोहब्बतें होती है ना बेटा, वो सिर्फ टाइम पास हो। इनमें अगर कोई सीरियस हो जाता है ना तो वो मेरे बेटे जैसा पागल हो जाता है। पागल नहीं है वो, उसके दिल पर जख्म लगा है। अगर सही वक्त पर सही जगह मरहम रखा जाता तो वो ऐसा नहीं होता। हाँ प्यार का मरहम रखेंगी तो वो ठीक हो जाएगा। अगर जख्म पुराना हो जाए ना बेटा तो नासूर बन जाता है, फिर उसको जिस्म के हिस्से से अलग करना पड़ता है। या तो वो अपना दिल निकाल कर फेंक दे या उस लड़की को दिल से निकाल दे। किसी को दिल से निकाल कर फेंकने के लिए दूसरे की मदद चाहिए होती है, और आपने तो उसकी मदद ही नहीं की। तो बेटा तुम कर दो ना उसकी मदद, तुम कर दो। बोलो करोगी ना मदद मेरे बेटे की? दरवाजा खोलो। कल तो खोल दिया था मैंने दरवाजा, आज नहीं खुलेगा। शिकायती दफ्तर, क्यों पीछे पड़ गई हो तुम मेरे? खोलो दरवाजा। एक शर्त पर। क्या है अब? वो ही, नहाओ और कपड़े बदलो। मुझे नहीं बदलने कपड़े, मैं ठीक हूं ऐसे ही। खोलो दरवाजा। तो फिर ठीक है, सोच लो तुम, सिगरेट मेरे पास है, नहा लोगे कपड़े बदल लोगे तो सिगरेट भी मिल जाएगी। फिर दरवाजा खोलोगी ना? नहा लिया मैंने, कपड़े भी बदल लिए, सिगरेट दो। भूल नहीं सकते इसे, उसे भूलने के लिए पीते हो ना? अगर हराम है जो एक लम्हे के लिए भी आंखों से हटती हो वो, जिंदगी से चली गई है। कुछ नहीं जाएगी, साफ बन जाते हैं वो लोग जो जिंदगी में कभी दिखाई ना दे, और जब सीने में देखते तो राज कर रहे होते हैं। उससे नफरत क्यों नहीं करते? बेवफा लोगों से नफरत की जाती है। नफरत तो करूं लेकिन उसकी बेवफाई जहन से नहीं निकलती। इसे पी के ना जीना आसान हो जाता है। अच्छा, अगर इसे पी के जीना इतना ही आसान हो जाता है ना तो कल मुझे भी एक सिगरेट ला देना। पहुंच गए जी दफ्तर। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता था? क्योंकि तुम मुझे धिक्कारती थी, नफरत करती थी मुझसे। तुम नफरत से मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत जो तुम मेरी हमदर्दी करती रहती हो ना, जहर लगने लगी हो मुझे तुम, जहर। हमदर्दी वर्दी नहीं चाहिए मुझे, नफरत करो मुझसे, मत करो मुझसे प्यार मोहब्बत से बात। क्या समझते हो तुम खुद को? एक तुम ही हो इस दुनिया में जिसे कोई छोड़कर चला गया, एक तुम ही हो जिसे कोई बेवफाई का रोग लगा के चला गया। मुझे भी तो छोड़ गया कोई, अपनी मोहब्बत पर बेवफाई का ठप्पा लगाकर। तो क्या करूं मैं, जीना छोड़ दूं?
जीना पड़ता है अपने से जुड़े रिश्तों की खातिर जीना पड़ता है फरहान उसकी बेवफाई की सजा अपनों को मत दो अपनों को मैंने तो अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था अपना दिल अपनी जान अपना सब कुछ मगर फिर भी उसने किसी और से शादी कर ली और मेरी माँ मुझे बदनामी के डर से बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर दूसरे से तीसरे शहर लेके फिरती रही तो क्या करूं मैं बताओ बोलो क्या करूं चलूं तुम्हारे साथ भरे हुए सिगरेट के कश लगाऊं हो सकता है कि मेरे लिए भी सांस लेना आसान हो जाए तुम्हारा निकाला मैं तुम इन आंसुओं के सहारे जीती रहो नशे की लत लग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये ऐसी आदत है जो छुड़ाने से भी नहीं छूटती आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है आप ऑफिस मत जाएं। नहीं आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी दो तीन पार्टियों की डीलें तो फरहाद कर लेगा ना डील अब तो वो हमारी सारी बातें सुनता है हमारी कहा रूम है सर सच अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के भेजा है उसे हमारे घर पता है अगर उसका निकाह ना हुआ वो होता ना तो मैं अपने फरहाद से इसकी शादी कर देती वालेकुम अस्सलाम कैसा प्यारा लग रहा है मेरा शहजादा माशाल्लाह चले अबू जी नहीं बेटा आज मेरी तबीयत ठीक है मुश्ताक साहब को जगह दिखाकर डील डन कर पहले मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ हाँ बेटा वो ऐसी खास भी नहीं है तबीयत ये चाबी है अच्छा ऐसा है कि मैं ऑफिस चलता हूँ अरे नहीं आज का सारा काम फरहाद करेगा क्यों फरहाद ये ठीक है आप पूजा ना आज घर पे रुके हाँ ना आप आराम करें घर पे देखा आपने मेरा शहजादा कितना समझदार हो गया माशाल्लाह अल्लाह ताला इसे अब ऐसे ही रखे आमीन हमेशा हमारी बहुत याद आई मेरा जाना बहुत जरूरी है आंटी कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिन्हें मुकम्मल करना है फिर मैं जल्दी अपना ट्रांसफर करवा के यहाँ वापस आ जाऊं और तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेंगी और तुम किसी को तंग नहीं करोगे मैं तो करूंगा साथ जो नहीं लेके जा रही जिंदगी में कुछ मुसाफतें इंसान को अकेले ही तय करनी पड़ती हैं फरहाद शायद तुम्हारी गाड़ी आ गई जी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे अपना ख्याल रखना आप भी अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज अंकल Thank you.
जब हिम्मत नहीं थी तो मोहब्बत भी नहीं करनी थी ना। सिर्फ मोहब्बत नहीं की, तुमसे निकाह भी किया। छुपा हुआ निकाह कोई नहीं मानता, वक्त आने पर सब मान जाए। तो फिर वक्त आने पर अपनी लिमिट्स भी क्रॉस कर लेना तुम। जी मैडम, किससे मिलने? सबाहत साहिबा हैं। आप कौन? मैं उनकी भांजी हूँ। जी वो तो अमेरिका गई हुई है। ओके, तो कोई और तो होगा घर में? रीना बीबी और साहब भी बाहर गए होंगे। कब तक आ जाएंगे? मुझे नहीं पता, आप फोन कर लें। एक्चुअली नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा एक मिनट रुकिए। हेलो बीबी, गुरु मैसा साहब आई हैं। क्या? उसे बिठाओ, मैं आ रही हूँ। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। क्या हुआ? मेरी कजन आई है। तुम्हारी कजन? एक ही तो कजन है मेरी। ये कौन है? बाजी जी, आप नहीं जानती? तैमूर भाई है, रीना बीबी के शौहर। किधर चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? हेलो, क्या ऐसे बगैर बताए कोई जाता है क्या? कहाँ गायब हो गई थी एकदम से? अम्मी कैसी हैं? मर गई। मर गई? कैसे? अपने गम से। तुमने दुख भी तो बहुत देखे। हाँ, मेरे और अपने दुख। तुम्हें क्या हुआ? निकाह हुआ था मेरा। मैं चेंज करके आता हूँ। मोहब्बत की थी मैंने, एतबार करके निकाह कर बैठी थी। फिर वो मुझे छोड़कर भाग गया। कौन? ये बात मत करो, कोई और बात करते। और फिर शहजादी पत्थर की हो जाती है और शहजादा उसे छोड़कर चला जाता है। मगर शहजादा उसे छोड़कर क्यों जाता है? उसको तो शहजादी के साथ रहना था ना। हाँ, लेकिन शहजादी तो पत्थर की हो गई थी ना, शहजादा कैसे रहता उसके साथ? शहजादा ही तो उसे ठीक कर सकते था, उसे छोड़कर क्यों गया? ये तो गलत है ना रुमैसा खाला। हाँ, क्योंकि शहजादे की नेचर में ही धोखा था। पापा कहते हैं जो लोग छोड़ के चले जाएं वो अच्छे नहीं होते। तो फिर पापा से एक बार फिर पूछ कर देखो, हो सकता है कि इस बार वो कुछ और बोले। हीर,
पापा आपने कहा था ना, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं वो अच्छे नहीं होते। खाला को भी ये बात बताए ना। आप अंदर जाओ। मैं खाला के पास बैठी हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप अंदर जाओ। क्या हुआ? बच्ची के आईने जैसे चेहरे में अपना अक्स देखकर डर गए क्या तैमूर? शुक्र करो मैंने बच्ची से ये नहीं कहा कि शहजादा अपना बच्चा भेड़ियों के हवाले करके भाग गया था। तुम चाहती क्या हो? हिसाब 2+2=4। जान के बदले जान, माल के बदले माल, बर्बादी के बदले बर्बादी। रुमैसा, ये वही बच्ची है जिसने तुम्हारी बच्ची की जगह ली है। तुम्हारी बच्ची की जिंदगी, उसकी खुशियां, उसके बाप का नाम, सब कुछ छीन लिया। जब तुम्हारी बच्ची जिंदा नहीं है तो ये क्यों जिंदा है? और यही मेरा बेहतरीन बदला है। क्या हुआ? वो मैं तो प्यार कर रही थी हीर को, प्यार कर रही थी। भाई तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ माजी का एक लम्हा सामने आ खड़ा हो गया था। भूल क्यों नहीं जाती अपने माजी को? भूल गई थी मगर वो फिर मेरे सामने आ गया है। कहाँ सामना हुआ? यहाँ। क्या? सामना क्या होना है? जब से इस शहर में आई हूं उसी की सूरत मेरी नजरों के सामने घूमे जा रही है। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ उसे ढूंढने में। तुम उसे तलाक ले लो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। जिंदगी जिंदगी होती है, नई या पुरानी नहीं। या फिर ये कह दो कि नई जिंदगी स्टार्ट करूं और अपने दुखों में इजाफा करूं। हो सकता है कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों। खुशियां हासिल करने की एक उम्र होती है। अगर उस उम्र में आपको खुशियां हासिल हो जाएं तो हसीन यादें बनती हैं, और अगर गम मिले तो सारी जिंदगी तल्ख माजी। फिर वही माजी माजी माजी, तुम हर वक्त एक ही बात दोहराती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा निकाह उससे नहीं, माजी से हुआ था। देखो रुमैसा, मुझे यकीन है कि वो शख्स कहीं ना कहीं अपने किए पर पछता रहा होगा और अपने किए पर शर्मिंदा होगा। काश ऐसा होता, मगर वो तो खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है। तुम उससे मिली हो? ये क्या बदतमीजी, किस तरह मेरे कमरे में मुंह उठाए चले आ रहे हो तुम? तुम्हारा कमरा? ये मेरा घर है। वाओ मिस्टर तैमूर, बड़े मजे हैं आपके। एक बीवी को आप सी ऑफ करके आते हैं और दूसरी के कमरे में मौजूद हैं। वाओ। बोलिए मिस्टर हस्बैंड, क्या काम है आपको? तुम होश में तो हो? तो मैं सब प्लीज जाओ यहां से। तुम
चली जाऊंगी, काम डाउन, वक्त आने पर चली जाऊंगी। किस वक्त का इंतजार कर रही हो? मेरे सेटल लाइफ के बर्बाद होने का? इतनी आसानी से तुम्हारी सेटल लाइफ बर्बाद नहीं करूंगी। आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक अज़ियत का हिसाब लूंगी। मुझे छोड़कर चले जाने का, किसी और से शादी कर लेने का, मेरी बेटी की मौत का, मेरी माँ के मर जाने का। तुमने अबॉर्शन नहीं कराया था? Yes, no, sir. ऐसा मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, तुम मुझे नहीं मिले। मैं तो तुम्हारे पीछे हैदराबाद तक आया था, तुम वहां से भी जा चुकी थी। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह रोता देखकर, लेकिन अभी अपने ये आंसू बचाकर रखो, अभी तो तुमने बहुत रोना है। बहुत अफसोस हुआ आपकी कहानी सुनकर। दोपहर के खाने में आप क्या खाएंगी? मैंने तो तैमूर भाई के लिए सूप बना दिया है। मैं भी वही पी लूंगी। जी अच्छा। क्या बात है, तुम्हें कोई खास बात करनी है? पापा अभी तक यहीं बैठे? आपके रूम में खाला गई? नहीं, वो मामा से कोई जरूरी बात कह रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ। ना वो लड़का मुझे मिल गया। कब, कहाँ मिला? यही मिला। यही मिला मतलब? मतलब इसी शहर में। ठीक है, तो फिर तुम फौरन इससे तलाक ले लो। ऐसे नहीं, अपनी बेवफाई का हिसाब लेने के बाद फिर तलाक लूंगी। नाम जानना चाहोगी उसका? हाँ, क्या नाम है उसका? तैमूर। मैं इसलिए आया था कि आपको रोक लूं। नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं तो इस तरह अजनबी होकर इस घर में रह रही हूं। ये क्या कह रही हैं आप? ये आपका अपना घर है, आप प्लीज ये घर छोड़ के ना जाएं। खैर, आप तैमूर इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो
मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब चलो वापस चलते हैं अंदर। चलो। मुझे चाय पीनी है। तुम फिरोजा से कह दो मैं आ रही हूँ। ओके। कमरे में आए, आपसे बात करनी है। ये क्या हरकत थी तैमूर? कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे, जवाब दे मेरे सवाल का। क्यों रोका आपने रुमैसा को? कितने ऑकवर्ड पोजीशन में मुझे डाल दिया था आपने, कुछ आइडिया है आपको? पहले आप मुझे कहते रहे कि रुमैसा को इस घर से बाहर निकालो, फिर जब मैंने रुमैसा से ये कहा कि तैमूर नहीं चाहते तुम इस घर में रहो, निकल जाओ यहां से, तो एंड वक्त आप आ गए और आपने कहा रुमैसा रुक जाओ। वो क्या सोचेगी कि मैं आपका नाम लेकर उसे इस घर से बाहर निकालना चाहती हूँ? वो कुछ भी समझे ना, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि तुम ऐसा बहुत दुखी है, हमें इस तरह उसे अपने घर से निकलने के लिए नहीं कहना चाहिए। तो ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। बिना मैंने ये सिर्फ तुम्हारे और हीर के लिए किया। बेटा आप यहाँ रुमैसा खाला के साथ रुक लो, मैं भी आती हूँ, ठीक है? वो देखिए शबाना आंटी, मैंने हाय कहकर आती हूँ। कैसी माँ हो तुम, अपनी बच्ची को छोड़कर भाग गई? मेरी माँ ने तो मुझे मेरी बेटी की सूरत तक नहीं देखने दी। तुम बताओ रुकैया, वो कैसी थी दिखने में? मैं उसे देख पाती, बताओ ना कैसी थी वो? जैसी भी है अच्छे हाल में। जैसी भी है मतलब? मतलब मेरी बच्ची मरी नहीं है, जिंदा है वो? ये सारे सवाल तुम अपनी माँ से पूछो, वो तो मर गई। तुम बताओ कहीं कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है वो? जिंदा है ना? हाँ वो मर गई। नहीं तुम झूठ बोल रही हो, बताओ मुझे कहाँ है मेरी बच्ची? वो नहीं मरी ना? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? रुकैया रुकैया रुक जाओ रुकैया। ये देखिए रुमैसा खाला, शबाना आंटी ने मुझे जूस दिया है। रुकैया बुआ नहीं आई? तुम्हारी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। कैसी माँ हो तुम, अपनी बच्ची को छोड़कर भाग गई? उसे मैंने हॉस्पिटल के एक नर्स से अडॉप्ट किया था। लेकिन इसका नाम हीर तो तैमूर ने रखा होगा ना? नहीं, उसी नर्स ने रखा था। डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि बेटी है, कोई नाम सोचा? हीर नाम रखूंगी। आओ बैठो मेरे पास।
ہمیشہ یہ چوہے بلی کا کھیل کب ختم ہو؟ اس کا فیصلہ تو تم کرو گے، تم جب چاہو یہ کھیل ختم ہو سکتا ہے۔ میں تو تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، پتا نہیں تمہارے دماغ میں کیا چیز ہے۔ میں تمہیں یہی بتانے کے لیے یہاں بلایا، تم یہی چاہتے ہو کہ میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں؟ خاموشی سے چلی جاؤ۔ ایک شرط ہے۔ میں تمہاری کوئی بھی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بھی شرط؟ کوئی بھی شرط۔ ہیر مجھے دے دو۔ تم ہی نے تو کہا تم میری ہر شرط ماننے کے لیے تیار، تو ہیر دے دو مجھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ بکواس نہیں، یہ شرط ہے میری۔ یہ کیسی شرط؟ میں تمہیں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا؟ کیوں، تم بھی تو ایک لے پالک بچی پال رہے ہو نا، کوئی اور بچی گود لے لینا، ہیر مجھے دے دو۔ اپنی بکواس بند کرو۔ ہیر اور غنا کے لیے تو میں تمہیں جانے کو کہہ رہا ہوں، اور تم ہیر کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو؟ تیمور، تیمور پلیز ہیر مجھے دے دو، میں تم سے پرومس کرتی ہوں، تم مجھے ہیر دے دو گے نا، میں کبھی تمہیں اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گی، آئی پرومس۔ اس سے بہتر تو یہ کہ دل پہ پتھر رکھ کر میں تمہاری شکل دیکھتا ہوں، مگر اپنی بیٹی تمہیں نہیں دوں گا میں۔ اور اگر اس کی ماں اپنی بیٹی مانگنے آ گئی تو کیا کرو گے تم؟ جب کی تب دیکھی جائے گی، جو بات کرنی ہوگی اس کی ماں سے میں کر لوں گا۔ تو کرو نا بات، میں ہوں اس کی ماں۔ تم نے بلیک میلنگ کا نیا طریقہ نکالا؟ میں تمہاری کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، جو کرنا ہے کر لو تم۔ تو جاؤ جا کر پوچھو اس نرس سے جس سے تم لوگوں نے بچی گود لی تھی۔ اپنی امی کی ڈیتھ کو یاد کر کے رو رہی تھی، مجھے فکر ہو رہی تھی تمہارے۔ ہائے رے میری قسمت، میرے شوہر کو میری ماں کا پرسہ بھی چھپ کے دینا پڑ رہا ہے۔ ویسے اس غم کی سچویشن میں شوہر اپنی بیوی کو گلے بھی لگا سکتا ہے۔ What? اگر تمہاری بیوی نے دیکھ لیا تو؟ وہ سو رہی ہے۔ اوکے میں آ رہی ہوں۔ تیمور، تیمور پلیز نکلے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ چلو فرض کرو یہ دروازہ کھلا اور سامنے غنا کھڑی ہوئی تو تم اسے کیا ایکسپلینیشن دو گے؟ میں اسے اپنے اور تمہارے نکاح کے بارے میں بتا دوں گا۔ ہلو، جی ڈاکٹر بشرا، مجھے ہاسپٹل سے کال آ گئی تھی، میں نکل رہی ہوں۔ آلرائٹ، بائے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ دونوں بیویوں میں سے کس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔
मैं गिना को छोड़ दूंगा। हाँ रुना सा, मैं गिना को छोड़ दूंगा, बल्कि मेरे साथ आओ भी उसे। नहीं, अभी ऐसा मत करना तैमूर। वॉशरूम में भी नहीं है, कहाँ गए होंगे इस वक्त? देखो, पहले तुमने अपने पेरेंट्स को बताने में देर करके गलती की थी ना, अब गिना को जल्दी बताकर गलती मत करना। क्यों? अब तो मैं वही कर रहा हूं जो तुम चाहती हो। हीर के लिए गिना ही उसकी माँ है। जब तक मैं रूमी खाला से रूमी मामा नहीं बन जाती, तब तक तुम गिना को कुछ नहीं बताओगे। कुछ नहीं, बस ऐसी घबराहट हो रही थी। तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ नहीं, वो बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी। तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? नहीं, मैं तो सो रही थी। हॉस्पिटल से कॉल आई, शहर में ब्लास्ट हुआ है, सारे डॉक्टर्स को ड्यूटी पर बुलाया गया है। ये खुशनसीब होते हैं वो लोग जो एक ही बार ब्लास्ट में मर जाते। कम से कम उन्हें रोज रोज तो नहीं मरना पड़ता। तुम सो जाओ, है ना? तुम किसी काम से आई थी? हाँ, वो है ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं। चले। कहाँ जा रही हो? मैं हीर की स्कूल जा रही हूँ। तुम्हें पता नहीं है तमाम डॉक्टर्स को ऑन ड्यूटी रहने के ऑर्डर है? आई नो, बट आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है हीर के स्कूल में और मेरा होना जरूरी है। तो क्या हुआ, तैमूर को बोलो, वो चला जाएगा। आई नो वो चले जाएंगे, लेकिन मेरा वहाँ आना ज्यादा जरूरी है। ओफो, लगता है एक इमरजेंसी तुम्हारे घर पे भी नाफिज है। मेरे एब्सेंस में आप हर चीज का ख्याल रखिएगा। ओके, चलो ठीक है। ठीक है, मीटिंग के बाद हॉस्पिटल से निकल आते हैं। ठीक है। आपको याद था ना? कोर्स मुझे याद था। तुम रेस्ट करोगी या साथ चलोगी? जाहिर सी बात है, साथ चलूंगी। तुमने ऑफिस ज्वाइन करना था ना आज से? हाँ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हीर के साथ स्कूल जाऊंगी। एक्चुअली तुम थी नहीं तो हीर जिद करने लगी कि रोमांस का साथ चले। अब तो मैं आ गई हूं ना। ये मेरा वाला फ्रॉक क्यों नहीं पहना है तुमने इसे? उसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम चेंज कर लो फिर चलते। हम चेंज करते फिर चलते।
अरे तुम ऑफिस के लिए निकली नहीं अभी तक? मैंने कहा है ना कि पहले मैं हीर के स्कूल जाऊंगी फिर ऑफिस जाऊंगी। रुमैसा देखो, स्कूल में सिर्फ मदर एंड फादर को बुलाया है। चले। ओ आई जस्ट फॉरगॉट माई बैग, मैं लेके आती हूँ हीर, आप पापा को लेकर गाड़ी में बैठ जाना। ओके पापा आए चले। माँ तो तुम भी नहीं हो उसकी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हकीकत को बकवास का नाम देके झुटलाओ मत। तुम अपनी हदें पार कर रही हो। मैं हद का तायुन कर रही हूँ। और क्या कहा है मैंने? सिर्फ यही ना कि मैं तुम्हारे और तैमूर के साथ हीर के स्कूल जाना चाहती हूँ। और क्यों ना जाऊं? पढ़ाती हूँ उसे, होमवर्क करवाती हूँ, और इसमें हर चीज क्या है अगर टीचर से मैं फीडबैक ले लूं? मैं जो कर रही हूं सिर्फ हीर के लिए कर रही हूं। और ये जो तुमने मदर और फादर का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। I didn't mean that. Leave it. गिना, मेरे कमरे का लॉक शायद खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी एक दोस्त है, शी इज कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, वो यहीं स्टे करेगी, तो तुम्हारा सामान मैंने पैक कर दिया है, तुम अपने फ्लैट पे रह लेना, मैं और फिरोजा तुम्हारी फ्लैट की सफाई में तुम्हारी हेल्प करते हैं। क्या रूम खाला फिर जा रही है? आप चलोगे रूमी खाला के साथ? मैं मामा के बाहर कैसे रहूंगी? ओहो। रूमी खाला आप अपना सामान लेकर मेरे कमरे में आ जाएं। शायद इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है, बाकी अंधेरे में उम्मीद की किरण होती है औलाद। हाँ ये ठीक है, मैं हीर के साथ रह लूंगी। रुमैसा देखो, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, बेहतर इसी में है कि तुम अपने फ्लैट में रहो। मैं और फिरोजा चल रहे तुम्हारे साथ। खैरा तुम समझ नहीं रही हो बात को, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं थैंक गॉड तैमूर तुम आ गए। देखो ना खैरा क्या कह रही है, कह रही है मेरे घर से चली जाओ। क्या हुआ? आप ही तो कह रहे थे ना कि रुमैसा की वजह से हमारी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हाँ लेकिन मेरा ये मतलब तो नहीं था कि ये इस घर से चली जाए। नहीं वो रुमैसा तो अपने फ्लैट में रहेगी ना, इसका घर काफी अरसे से खाली है और वैसे भी खाली घर में आसेब का कब्जा होता है। कब्जा छुड़ाने तो यहाँ आई हो क्या? तुम औरतें भी ये क्या आसेब भूत प्रेत की बातें लेकर बैठ जाती? छोड़ो
और जहां तक फ्लैट खाली छोड़ने की बात है तो रुमैसा किराए पे दे देगी फ्लैट। तैमूर, कभी ना कभी तो रुमैसा को इस घर से जाना पड़ेगा ना। और तुम ही तो कह रही थी कि तुम एक बहन होने के नाते इसका फर्ज अदा करना चाहती। तैमूर, मेरा सूटकेस कमरे में रख दोगे प्लीज? पापा, रूमी खाला मेरे लिए चॉकलेट्स लाई हैं। बाजी जी, खाना। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। ले जाओ ये सब यहां से। वो बाजी जी मैं नहीं लेकर आई, साहब जी खुद किचन में खाना निकाल रहे थे। तैमूर भाई को आपकी बहुत फिक्र है ना, वरना वो यूं इस तरह किचन में खड़े क्यों खाना निकाल रहे होते आपके लिए? बाजी जी, खुद को इस तरह कमरे में बंद कर लेने से अपनी बेटी अपने शौहर को गंवा देंगी, अपने शौहर को फिर से अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करें। मैं आपके लिए दही बड़े लेकर आती हूँ। खाना नहीं शुरू किया अब तक? क्यों किया आपने ऐसा? मैं क्या, वेना, क्या किया मैंने? क्या आपको नहीं लगता मैसा का यहां मजीद रुकना ठीक नहीं? मेरी कजिन है, मुझसे ज्यादा हमदर्दी उसके साथ और किसी को नहीं होगी। जिस शख्स के साथ आप इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो और वही आपको बेदर्दी से ट्रीट करे, तो उस शख्स को अपने आप से अलग करना चाहिए, दूर करना चाहिए। शुमैसा की जिंदगी का जहरीलापन हमारी जिंदगी में भी जहर घोल रहा है। ये ना, एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही थी, रुमैसा जैसी लड़कियां अपनी महरूमियों का बदला लेती हैं। वो ये जिंदगी से मायूस थी, लेकिन मेरा शौहर मेरी बच्ची देखकर उसकी नीयत बदल गई। खाना खा लो। नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दें। अच्छी लगती है वो? तुम खाना खाओ, मैं खीर को गुड नाइट कहकर आता हूं। मैंने उससे कुछ पूछा? मैंने उससे पूछा कि रुमैसा उसे अच्छी लगती है या नहीं? वो खामोश रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। बताओ फरोजा, इस खामोशी का क्या मतलब है? वो कह सकते थे ना कि नहीं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चली जाओ यहां से।
बाजी जी, बाजी, बाजी जी, आपने पानी मांगा था? मैं नई मेट ला रही हूँ तैमूर। क्यों? अब फिरोजा में तुम्हें क्या बुराई नजर आने लगी है? तुमसे बात नहीं की मैंने। मैं सोच रही हूँ तैमूर, एक ऐसी मेट हो जो इंग्लिश में बात करे हीर से। ये तो अच्छी बात है। कोई अच्छी बात नहीं है, यही मेट ठीक है, कोई और मेट लाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम मेरी हर बात को निगेट क्यों करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे हमदर्दी की, तुम्हें अपने घर में जगा दी, तुम मेरी बेटी, मेरे शौहर और अब मेरे घर पे कब्जा करना चाहती हो? अपनी चीजों पर कब्जा कौन करता है? वाह, खूब, अब तुमने अपना भी समझना शुरू कर दिया। गिना, इतनी छोटी सी बात पे लड़ने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात है ये, इसने मेरी बेटी का स्कूल बदल दिया, अब मेड बदल रही है, आज उसे घर से निकाल दिया, कल मुझे घर से निकाल देगी, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? तो मत करो बर्दाश्त, चली जाओ। रेना ने हीर की बर्थडे कैंसिल कर दी। क्यों? मैं तो चाहती थी, वो जा रही है। आराम से वो जा रही है। अब हम अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारेंगे जैसे हमने यूनिवर्सिटी में सोची थी। बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी के बाप की हैसियत से कबूल किया है और जो जिंदगी हमने यूनिवर्सिटी में सोची थी उसे गुजारने की ख्वाहिश का गरा तो तुम कब का घूम चुके हो। तो ऐसा हमें माजी को भुलाना होगा। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ कि जो ख्वाब हमने माजी में देखे थे वो तुम्हें भुलाने होंगे और हाल की हकीकत ये है कि तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी है और उस मजबूरी की वजह है हीर। फैसले का वक्त आ चुका है तैमूर। हीर मुझसे अब कंप्लीटली अटैच्ड हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो अभी जाकर गिना को सारी हकीकत बता सकते हो। गिना को मैं उस वक्त बताऊंगा जब तुम मुझे सिर्फ अपनी बेटी के बाप की हैसियत से नहीं बल्कि अपने शौहर की हैसियत से भी कबूल करोगे। पापा को साथ ही नहीं लाए? क्योंकि मैं आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती थी। आपने पापा के साथ वेकेशंस पर आना और आप पापा को फोर्स करना, जिद करना और मेरे पास लेके आना। पापा तो मेरी हर बात मानते हैं, वो आ जाएंगे मेरे साथ। अब हमारी मुलाकात कमरे में छुपकर नहीं बल्कि कोर्ट में सबके सामने होगी। पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें रोहिना को साथ रखूंगा मगर अब नहीं, अब तुम कोर्ट में सबके सामने खुद हीर को मेरी गोद में दोगे और पता है बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? तलाक, वो भी सबके सामने।
तुम्हारी हकीकत जानने के बाद गीना तुम्हें खुद छोड़ के चली जाएगी। गीना ने छोड़ के जाना होता तो अब तक जा चुकी होती, और अगर वो छोड़ के चली भी गई तो मेरी बेटी तो मेरे पास ही रहेगी ना। बाजी जी, वो हीर बीबी अपने कमरे में नहीं है। हाँ तो रुमैसा के कमरे में होगी। रुमैसा बाजी भी अपने कमरे में नहीं है क्या? स्कूल ले गई ना? नहीं, सुबह के 6 बजे कौन सा स्कूल होता है? बाजी फजर के टाइम से मैं उठी हुई हूँ, गाड़ी के बाहर जाने की कोई आवाज भी नहीं आई, शायद वो हीर बीबी को रात में ही ले गई थी। तुम परेशान मत हो, वो हीर को कहीं नहीं ले जा सकती। क्या मतलब नहीं ले जा सकती? वो ले जा चुकी है हीर को। मैं हीर को वापस ले आऊंगा, ठीक है? दिन निकला, मैं अभी मिलता हूँ जाके वकील से। वकील? केस करूंगा ना उस पर, ऐसे कैसे हमारी बच्ची को अगवा कर सकती है। मेरी बात सुनो, वो यहाँ पे नहीं आई है। बकवास बंद करो, उसे कहो मेरी बच्ची वापस करे। क्यों करो वैसे, तू चली गई हो? सामने बात ही बंद करो तुम। रुमैसा, तैमूर मेरी बात पे यकीन करो, नहीं आई यहाँ पे। वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई है? आखिर हुआ क्या है बताओ तो। रुमैसा कहाँ है? रुमैसा, जान से मार दूंगा तुम्हें। तैमूर, हम यहाँ क्यों आए? मैंने आपसे कहा था ना, हम वंडरलैंड जाएंगे। जैसे परी गुड़िया को ले जाती है। आप खुश हो ना? पापा भी जाएंगे। नहीं, पहले आप और मैं जाएंगे, बाद में पापा आएंगे। दिखाओ कौन सा गेम खेल रही थी आप? बार्बी गेम। वाओ, ये रेड वाली बार्बी तो बहुत अच्छी बनाई है। आपका फेवरेट? देखो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ कि आखिर वो चली कहाँ गई है। ये तो पुलिस ही पता करवाएगी। पुलिस? क्या रिपोर्ट लिखवाओगे? यही कि उसने मेरी बेटी को अगवा किया। तुम एक मां पे इल्जाम लगा रहे हो कि उसने अपनी बेटी को अगवा किया? तो और क्या करूं मैं? अगर वो पहले की तरह गायब होगी तो कहां ढूंढूंगा मैं उसे? अगर तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता दो प्लीज। देखो यार, अगर तुम चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मगर वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम है। वो आखिरी बार तुमसे मिलने कब आई थी? वो आज तक मुझसे मिलने नहीं आई। उसके कराची आने के बाद तो उसने मुझे कॉल भी नहीं की।
میں ہی اسے تنگ کیا کرتا تھا. تم محبت کرتے ہو اسے؟ ہاں بہت. اور تم؟ تم ایسا میرا ماضی ہے اور اسے ماضی کا حصہ ہی بن کے رہنا چاہیے. ایک ڈیل کرو گے؟ کیسی ڈیل؟ اگر رمیسا مجھے کال کرے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا اور میں اسے راضی کر لوں گا کہ وہ ہیر کو تمہیں واپس کر دے اور خاموشی سے تمہاری زندگی سے واپس چلی جائے. ہیر کو اسے ہر صورت میں واپس کرنا ہوگا. اگر وہ خاموش نہیں رہے گی میں اسے خاموش رہنے پہ راضی کر لوں گا اور رمیسا میرے ساتھ واپس چلی جائے گی. بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ طلاق. کیا تم رمیسا کو طلاق دینے کے ارادے پہ قائم رہو گے؟ کہیں تمہارا ارادہ تو نہیں بدل جائے گا؟ یہ نہ ہو کہ تمہارا سے کوئی نیا کھیل شروع ہو جائے. نہیں, اب اس کھیل کو ختم کرنے کا وقت آ گیا. تیمور, ہیر کا ہے؟ تیمور, میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں, کہاں ہے ہیر؟ وہ نہیں ملی. مطلب کیا ہے آپ کا کہ وہ نہیں ملی؟ کیا رمیسا فرحاد کے گھر پہ نہیں تھی؟ پھر وہ اسے کہاں لے کر گئی ہے؟ ہمیں فوراً پولیس اسٹیشن جانا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ وہ اسے کہاں لے کر گئی ہے. چلے میرے ساتھ. کہاں؟ اپنے پرانے فلیٹ لے کر گئی ہوگی. اب چلے میرے ساتھ. کون تھا باہر؟ میرے ہسبینڈ تھے. آپ پریشان مت ہو, کھانا کھا لیں. تھینک یو. اگر میں کہیں اور جاتی تو اب تک میرے شوہر مجھے ڈھونڈ لیتے. اب تک تو شاید انہوں نے میرے پیچھے پولیس لگا دی ہوگی. بس یہی وجہ ہے کہ میں نے ہوٹل میں اسٹے نہیں کیا. آپ فکر نہیں کریں, میں کل ہی ٹکٹ کروا لوں گی. کہاں جائیں گی آپ؟ پتا نہیں, یہ تو میں نے خود بھی نہیں سوچا. چلیں آپ کھانا کھا لیں. تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ شوہر سے لڑ کر آئی ہے, تم نے پوچھا نہیں ان سے؟ وہ آتے ہی تو بچی کے ساتھ بیٹھ گئی, اب باہر نکلے گی تو پوچھ لوں. تمہیں انہیں یہاں رکنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. وہ اس فلیٹ کی مالکن ہے اور ہم کرایہ دار, کیسے منع کرتی؟ بہرحال اب انہیں چلتا کرو یہاں سے, مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے. شک تو مجھے بھی یہی کہ معاملہ کچھ اور ہے. تو تم کال کر دو نا ان کی کزن کو. کہیں جا رہی ہیں؟ جی, آپ سے ریکویسٹ ہے کسی کو کال کر کے مت بتائیے گا پلیز. جی, خدا حافظ. خدا حافظ. چلو Thank you.
रुमैसा? क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं, बस वीजा आते ही हीर को लेके चली जाऊंगी यहाँ से। ऐसे किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाना इतना आसान नहीं होता। तो तुम चलो मेरे साथ, वहाँ सेटल होने में मदद करना मेरी। तुम तैमूर से तलाक नहीं लोगी? पहले वहाँ जाऊंगी, सेटल होंगी, उसके बाद कांटेक्ट करूंगी तैमूर से। उसकी मर्जी है, चाहे तो मुझे तलाक दे दे या चाहे तो मेरे साथ रह ले। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, उसे सिर्फ अपनी बेटी से गर्ज है और वो हीर को तुमसे ले लेगा। जब की तब देखी जाएगी फरहाद, अभी तो फिलहाल मुझे इस मुल्क से जाना है। अच्छा खासा वो गिना जा रही थी, तुमने आके सारा मामला बिगाड़ दिया। हीर, हीर, हीर क्या हुआ? हम यहाँ क्यों आए? फरहाद अंकल गंदे, उन्होंने पापा को मारा था, वो मुझे भी मारेंगे। मेरे होते हुए आपको कोई हाथ तो लगा के दिखाए? मुझे मामा के पास जाना है। आपको पता है हम लोग बहुत जल्द वंडरलैंड जाने वाले हैं। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे मामा के पास जाना है। वो जाओगी? नहीं, मुझे मेरी मामा के पास जाना है, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। वो नहीं है मामा आपकी, मैं हूँ आपकी मामा। नहीं, आप मेरी मामा नहीं है। कहाँ जा रही, इधर बैठो। फरहाद अंकल बाहर बैठे, बहुत मारेंगे आपको। मुझे मामा के पास जाना है, मैं वापस आपकी शिकायत करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको ले जाऊंगी मामा के पास, अभी सो जाओ, चलो। नहीं, मुझे अभी जाना है। हीर चुप, चुप हो जाओ बिल्कुल। मैं सब बाहर आओ। अब चुप करके ही बैठी रहना, हिलना मत यहाँ से, समझी? हेलो, रुमैसा मिल गई। कहाँ से मिली? कल रात ही वो मेरे घर आई है। वो कल रात से तुम्हारे घर है और तुम अब बता रहे हो? तुम एक काम करो, तुम आके हीर को ले जाओ और रुमैसा को तलाक दे दो। बाद में रुमैसा को मैं खुद संभाल लूंगा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब तुम अपना वादा पूरा करो। हीर मिल गई? हाँ वो मिल गई है, तुम ये रुको मैं लेकर आता हूँ। मैं भी साथ जाऊंगी। बहना एक कसम खाओ, हीर की कसम, तुम मुझे और हीर को कभी छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ तैमूर, मैं अब नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम हीर की कसम खाओ। हीर की कसम, मैं आपको और हीर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। आओ मेरे साथ। जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, जब तक वीजा नहीं लग जाता मैं होटल में रह लूंगी। क्यों, तुम्हें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम है? हीर को डर लगता है तुमसे। तुम नाश्ता कर लो, बल्कि मैं बेकरी से तुम लोगों के लिए सैंडविचेस ले गया था।
हेलो कहाँ रह गए तुम? हाँ बस 15 मिनट में पहुंच। ठीक है जल्दी आओ मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके बस आप सैंडविच खा लो फिर हम चलते हैं। मुझे नहीं खाना सैंडविच, बस चले यहाँ से। चलो आ जाओ चलो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। दिमाग पर गहरी चोट आई है। चोट की वजह से मेमोरी लॉस होने का खतरा है या फिर ज़हनी माजूरी भी हो सकती है। आप लोग हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहिए। डॉक्टर से बात की है, कह रहे हैं कि यह भी मुमकिन है कि हीर बिल्कुल ठीक रहे। बेहतर है कि हमें उसके होश में आने का इंतजार करना चाहिए। देखना हीर को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
मामा। She is normal. अगर आप इनका ख्याल घर पे रख सकती हैं तो आज शाम को मैं इनको डिस्चार्ज करवा देता हूँ। जी। रुकैया, डॉक्टर लीना की बेटी का एक्सीडेंट हो गया। हीर का कब? मुझे भी अख्तर ने बताया मगर अब वो ठीक है। या अल्लाह खैर, किस कमरे में है? जी तो मैंने अख्तर से पूछा ही नहीं, मैं खुद पूछती हूँ अख्तर से। ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ। यही हम सबके लिए बेहतर होगा। चलो रुमैसा। एक बार हीर से मिल लो। सर खिना गुस्सा करे। अच्छा मैं खिना से बात करता हूँ। मीना, ऐसा हीर से मिलना चाहती हूँ। नहीं फरात, अब मैं मजीद इसे अपनी जिंदगी में जहर घोलने नहीं दूंगी। और तुमने कहा था ना, हीर के होश में आती ही रुमैसा यहाँ से चली जाएगी। ऐसा जा रही है, सिर्फ एक बार मिलना चाहती है। नहीं फरात, बिल्कुल नहीं। ठीक किया नाना ने और खानदान वालों ने जो रुमैसा और उसकी अम्मी से रिश्ता तोड़ दिया, तालुक खत्म कर दिया। और न जाने इसने कहां जाकर क्या क्या किया होगा जिसकी वजह से आज तक इसके शौहर का पता ना चल सका। बस कहना, अब आगे एक लफ्ज मत कहिएगा। ये ना हो कि हकीकत जानने के बाद आपको इन लफ्जों पे पछताना पड़े। मुझे नहीं मिलना हीर से, नहीं मिलना मुझे। ऐसा? डॉक्टर साहब, अब हीर कैसी है? मुझे तो अभी पता चला, आपने हीर इसे दी थी क्या? किसे? जो भी यहाँ से गई है। नहीं, इसे क्यों देती? यही तो हीर की असल माँ है। क्या रुमैसा हीर की माँ है? क्या उसे पता था कि हीर उसकी बेटी है? मुझे नहीं मालूम, बस एक बार सामना हुआ था। कब? जब आप हीर को मिलाने हॉस्पिटल लेकर आई थी, मैं रिसेप्शन पर गई तो वो वहाँ बैठी हुई थी। तो
तुम्ही ने बताया होगा फिर उसे। नहीं, मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम कैसी माँ हो जो अपनी बच्ची छोड़कर भाग गई थी। ये सुनकर वो चौंक गई और उसके कुछ दिन बाद ही तैमूर भाई मेरे घर आ गए, तो मैंने आपको बताया था। मैं हीर से मिलूं? बिल्कुल लेट कर दिया। क्या हुआ? तुम ऐसा कुछ कह के गई? आपको पता था ना? क्या? कि रुमैसा ही हीर की माँ है। मतलब उसने अपनी जबान बंद नहीं रखी? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। रुकैया ने बताया मुझे। आप बताएं, आपको ये बात मालूम थी ना, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो हमारी हीर हमसे वापस ले जाना चाहती थी। मैं उसे समझाना चाहता था कि वो तुम्हें हर्ट ना करे और हीर को हमारे पास छोड़ के चली जाए। वो चली गई है ना, अब हमारी जिंदगी वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। आपको मुझे बताना चाहिए था। कह तो रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो जा चुकी है, अब हमें हीर की फिक्र करनी चाहिए। मेरा, मेरा, तुम कहाँ जा रही हो? मेरा रुमैसा से बात करना जरूरी है। मेरा, मेरी बात सुनो। रुकैया हॉस्पिटल वाले से डिस्चार्ज करने की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, तो प्लीज इसे लेके घर जाओ। मेरा इस वकीना के पास जाना बहुत जरूरी है। जी, मुझे रुमैसा से मिलना है। आपको क्यों मिलना उसे? मुझे भी पता चला कि ही रुमैसा की बेटी है। आपको तैमूर ने बताया? नहीं, जिस नर्स से मैंने हीर को गोद लिया था उसने बताया। तो आप उसकी बच्ची से वापस करना चाहती हैं? मुझे रुमैसा से बात करनी है। आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? मैंने रुमैसा से अकेले में बात करनी है। तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? तैमूर ने रोका था, उसे कैसे पता चला? तुमने बताया था, तुम्हें कैसे पता चला? रुकैया से पूछा मैंने, उसने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। तुम हीर के पास वापस जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। उलझ कर रह गई हूं मैं। अगर तुम मुझे पहले बता देती, मैं हीर को तुम्हें दे देती। तुम तो दे देती, लेकिन तैमूर कभी नहीं देता। क्यों नहीं देते? हीर को मैंने अडॉप्ट किया था, तैमूर ने नहीं। अब इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी और तैमूर की जिंदगी से वापस जा रही हूं।
तुम्हें तैमूर से मोहब्बत हो गई थी ना, इसीलिए तुम मुझे तंग करती थी ताकि मैं चली जाऊं और तुम तैमूर से शादी कर लो। मैं खुद तुम्हारी तैमूर से शादी कराऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाओ। हीर मुझे दे दो, कभी मां नहीं बन सकती। हीर को मैंने बहुत प्यार से पाला है, प्लीज मुझसे हीर मत लो। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, मैं बदले में तुम्हें तैमूर दे दूंगी, बस हीर मुझसे मत लेना। चली जाओ यहां से रहना, ऐसा ना हो कि मेरा सब जवाब दे जाए। तैमूर तुम्हें लेने आया है, तैमूर आप हीर को अकेले छोड़कर कैसे आ गए? वो रुकैया के साथ गई है, अब तक घर पहुंची होगी। तैमूर प्लीज रेना को यहां से ले जाओ, लेकिन मेरा सब्र टूट जाए, ले जाओ इसे यहां से प्लीज। शुक्रिया रमेश, खुदा हाफिज। चलो फिर, उसे की कॉल है, तुम गाड़ी में वेट करोगे। आप नमा तुम्हारे अबू ने फाड़ दिया था, मेरी अम्मी ने इसका एक एक टुकड़ा जमा किया, कहा था कि कभी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और देखो ना पड़ गई जरूरत, पड़ गई जरूरत इसकी। तुम्हें पता है मैं इसका क्या करूंगी? मैं इसे यूनिवर्सिटी के गार्डन में दफना कर तुम्हारी और अपनी मोहब्बत की कब्र बनाऊंगी, ताकि सारी लड़कियां इबरत हासिल कर सके, कोई भी लड़की किसी लड़के की बातों में ना आए, अपने माँ बाप से छुप कर निकला करे। मैं सुन रही हूं तैमूर, तलाक दो मुझे।
तलाक दूं? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तैमूर, अब आ क्यों नहीं रहे? वो तैमूर को अपनी बेटी दी है ना मैंने, तो थैंक यू कहने के लिए रुक गए थे। चलो कि तुम ऐसा के शौहर आ, मैं तुम्हें तुम्हें तुम ऐसा को भी तलाक दे दी। अब उन्होंने जो बात करनी है अपने घर जाके की। और तुम ऐसा को और परेशान मत करें। नहीं तैमूर, तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? उसने खुद तलाक मांगी थी। और हीर, हीर को भी तो मांगा था उसने। हीर मेरी जिंदगी का महवर है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और रुमैसा, रुमैसा रह लेगी? इतने खुदगर्ज हो तुम तैमूर। और हाँ, मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल नहीं की थी। जा रही हूँ मैं कल। जरा तुमने कसम खाई थी कि तुम मुझे और हीर को छोड़ के नहीं जाओ। मैंने तो आप और हीर को अपना समझकर कसम खाई थी। मुझे क्या पता था कि ना आप मेरे हैं और ना ही हीर। सब कुछ तो रुमैसा का था। मेरे बारे में नहीं, हीर के बारे में तो सोचो कम से कम। हीर के बारे में सोचने के लिए उसकी माँ है तैमूर। रुमैसा की ममता को हर मत तड़पा है। हीर उसे दे दे।
देने को राजी हो गया। और गिना से छोड़ के अमेरिका जाए। आखिरी बार हीर से तो मिलती जाओ। हीर से मिली तो इरादा टूट जाएगा। कहाँ जा रही हो तुम? तैमूर से दूर जा रही हूँ। क्यों? उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा तो मेरी किस्मत ने मेरे साथ नहीं किया। तुम ऐसा, तुम हीर को अपने साथ ले जाओ। ले तो गई थी उसे, लेकिन वो मुझे मां मानने को तैयार ही नहीं। तुमने प्यार जो इतना दिया है उसे, प्लीज कहना कहीं मत जाओ। मैं चाहती हूँ कि हीर को उसके माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। हीर का बाप तैमूर और माँ तुम हो। मामा, आप फिर जा रही हैं? हाँ। इस बार आपकी रूमी खाला वाकई जा रही हमेशा के लिए। हाँ रूमी मामा। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें।